जीवन की धर्म सजा कर कहाँ छुप गए तुम बाबा, कांटों को फूल बना कर कहाँ छुप गए तुम बाबा। मधुबन की धर्म सजा कर कहाँ छुप गए तुम बाबा, कांटों को फूल बना कर कहाँ छुप गए तुम बाबा। पाया साथ सबसे तेरा कर पाया ओ बाबा, जीवन हुआ सफल ये मेरा, मिल गई खुशियाँ बाबा। मधुबन की धरनी सजा कर कहाँ छुप गए तुम बाबा, कांटों को फूल बना कर कहाँ छुप गए तुम बाबा। पकड़ा तूने हाथ मन में हुआ प्रकाश, फैला ज्ञान का उजियारा, रोशन हुआ प्रभा। ओ, ओ जब से पकड़ा तूने हाथ मन में हुआ प्रकाश, फैला ज्ञान का उजियारा, रोशन हुआ प्रभात। मधुबन के कण से पूछो साकार रूप अपना दिखा दो, तेरी ही राह चले हम, हमें अपने पास बुला लो। मधुबन की धरनी सजा कर कहाँ छुप गए तुम बाबा, कांटों को फूल बना कर कहाँ छुप गए तुम बाबा। मधुबन की धरनी सजा कर कहाँ छुप गए तुम बाबा, कांटों को फूल बना कर कहाँ छुप गए तुम बाबा। श्रेष्ठ कर्म की गाथा हमको सब है सुनाए, तुझसे मिलने की आशा लेकर मधुबन सब आए। ओ, ओ तेरे श्रेष्ठ कर्म की गाथा हमको सब है सुनाए, तुझसे मिलने की आशा लेकर मधुबन सब आए। बच्चों को रख आगे तुम बन गए अव्यक्त बाबा, तारों में भर दिव्य ज्योति बनकर तुम चंद्रमा। मधुबन की धरनी सजा कर कहाँ छुप गए तुम बाबा, कांटों को फूल बना कर कहाँ छुप गए तुम बाबा। मधुबन की धरनी सजा कर कहाँ छुप गए तुम बाबा, कांटों को फूल बना कर कहाँ छुप गए तुम बाबा।
Thank you.
देह की दुनिया से उड़ जाऊं, इस देह की दुनिया से उड़ जाऊं। आप दृष्टि यूं ही देते रहो
जयंती, आज अमृत वर्षा के शक्ति संपन्न समय में मैं आत्मा अपनी शिव शक्ति सेना के साथ अपनी सेना के सेनापति परम शक्तिशाली परमपिता परमात्मा शिव की अनंत शक्तियों से स्वयं को भरपूर अनुभव कर रही हूं। हम सभी ब्रह्मावत्स ब्रह्मा बाबा के श्रेष्ठ आचरण का अनुसरण करने वाली शिव बाबा की आशाओं को पूर्ण करने वाली स्वयं भगवान द्वारा चुनी हुई भाग्यवान आत्माएं हैं। हम परम शक्ति परमात्मा की शिव शक्ति सेना है। स्वयं को तथा सर्व को विकारों रूपी असुरों से तथा नकारात्मक विचारों रूपी दैत्यों से मुक्त करने वाली दुर्गा शक्ति है। इस दुख धाम को सुख धाम बनाने वाली सुख सागर की संतान है। इस पुरानी दुनिया से संन्यास लेकर शिव पिता का मददगार बनकर सर्व का कल्याण करने वाली तपस्विनी शिव शक्तियां हैं। हम कमल आसनधारी श्वेत वस्त्र धारिणी ब्रह्मा कुमारियां ब्रह्मा कुमार विश्व को पावन बनाने का श्रेष्ठ पुरुषार्थ कर रहे हैं। दुनियावी आकर्षणों से मुक्त न्यारी
और प्यारी आत्माएं हैं। अपनी पवित्रता, ममता, दया, क्षमा, त्याग, तपस्या, सेवा आदि गुणों द्वारा काम, क्रोध, लोभ, मोह तथा अहंकार आदि आसुरी वृत्तियों पर विजय प्राप्त कर रही है। तथा अन्य आत्माओं द्वारा करा रही है। हम विश्व कल्याणकारी आत्माएं अपने तन मन धन समय श्वास संकल्पों द्वारा विश्व की सेवा कर रही है। चारों ओर सुख शांति आनंद प्रेम के शुद्ध पवित्र प्रकंपन फैला रही है। हमारा शुद्ध सात्विक जीवन लोगों के लिए प्रेरणा बनता जा रहा है। स्वयं शिव भगवान ने हमें विश्व परिवर्तन के महान कर्तव्य में सहयोगी बनाया है। समर्पण भाव हमारा सबसे बड़ा गुण है। ईश्वरीय सेवा में समर्पित होकर हम विश्व परिवर्तन का महान कर्तव्य निभा रही है। अपने पावन संकल्प वृत्ति दृष्टि वचन और कर्म के द्वारा शांति शक्ति तथा खुशी का अनुभव करना और कराना ही
हम पवित्र आत्माओं की महानता है। विशेष दिशाली स्थिति में अपने फरिश्ते चोले के साथ इस देह और देह की दुनिया से ऊपर उड़ चलता हूं मैं फरिश्ता सूक्ष्म वतन की ओर। प्यारे मीठे बाप दादा की प्यार भरी पवित्र दृष्टि से भरपूर होता अपने हाथों से बाप दादा के लिए भोग की गिट्टी तैयार कर उन्हें स्वीकार कराता हूं। हम बाबा को खिलाते हैं और प्यारे मीठे बाप दादा हम बच्चों को। कितना सुंदर सुखद शक्तिशाली अनुभव है ये। बाप दादा को भोग स्वीकार कराकर उन्हें जल अर्पण कराकर अब अपना फरिश्ता चोला यहीं छोड़ मैं दिव्य ज्योति बिंदु आत्मा अपने अनादि आत्मिक रूप में उड़ चलती हूं अपने निज घर परम धाम में। जहां केवल मधुर मीठी सुखद शांति ही शांति है। कुछ समय के लिए डीप साइलेंस में ज्वालामुखी योग अभ्यास द्वारा अपने विकर्मों को योग अग्नि में जलकर भस्म होता हुआ अनुभव कर रही हूं। डीप साइलेंस ज्वालामुखी योग
स्वयं को भरपूर अनुभव करता। परमात्मा स्नेह से परिपूर्ण हो, मैं आत्मा परमधाम से नीचे आ जाती हूं सूक्ष्म वतन में। बाप दादा के हाथों में हाथ लिए सूक्ष्म वतन से नीचे लौट आती हूँ साकारी दुनिया में, साकारी रथ में। अपने हाथ में जल ले ले चार्जिंग करने के लिए। अनुभव करें बाप दादा मेरे बिल्कुल सम्मुख है और उनकी अनंत शक्तिशाली ज्वाला स्वरूप किरणें इस जल में प्रवाहित हो रही है जिससे ये जल श्रेष्ठ सकारात्मक ऊर्जा के कंपनों से पूर्णतः चार्ज हो रहा है। एक एक एटम शक्तिशाली बनता जा रहा है। परिवार में सभी तन से स्वस्थ, मन से खुशहाल हो रहे हैं। हर कार्य में कम मेहनत में ही कई गुना अधिक सफलता प्राप्त होती जा रही है। परमात्मा स्मृति में रहकर कार्य करने से विघ्न प्रूफ हो सहज ही सभी कार्य सहजता से हो रहे हैं। ये जल परमात्म शक्तियों से पूर्णतः चार्ज हो चुका है। इसे घर के कॉमन वेसल में प्रवाहित कर दें ताकि सभी को इसका लाभ प्राप्त हो सके। शांति।